नहीं, हम तो सनातन धर्म के अनुकूल जब मंदिर मस्जिद में मंदिर शिवलिंग निकला है तो अपना हिंदू का ही है ना, शिवलिंग ऊपर से थोड़ी पढ़ करके आए हैं। उन लोगों ने तोड़ करके हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया, हमारा जो है वो मिलना चाहिए। हमारा विश्वनाथ जी का मंदिर जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, वो हमको जो है प्राप्त होना चाहिए। और पूजा अर्चना की भी मांग की जा रही है। हाँ, ये भी होना ही चाहिए, पूजा अर्चना की सरकार को देना भी चाहिए, हमारा अधिकार है। दूसरे पक्ष से है सहयोग की मांग करते हैं कि उन लोगों को बताइए या बातचीत करके जो हैंडल कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कर, हमारा जो है सरकार को चाहे धर्म निरपेक्ष करके जो हमारा अधिकार है उसको अधिकार को देना चाहिए ना। अब हम तो यही मानते हैं कि जल्दी जल्दी पूजा चालू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। अब हम यही चाहते हैं कि प्रशासन को बोल रहे हैं कि अब जल्द से जल्द पूजा चालू हो जानी चाहिए, हमको दर्शन बहुत जल्दी मिलना चाहिए। आज भी वहाँ नंदी है, वो नंदी के सामने बाबा भोलेनाथ जो थे विश्वनाथ, वहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो 20-25 मीटर की दूरी पे होना ही चाहिए, वो नहीं है। वो बहुत जल्दी जल्दी सेवा चालू होनी चाहिए और जल्दी से दर्शन मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। वो बाबा प्रकट हो गए हैं, नंदी बाबा की तपस्या सफल हुई और बाबा 353 वर्ष बाद प्रकट हुए हैं और बताएं कि हम यहीं पे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने उन मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं जो गलती किए हैं, जाने अनजाने में कुल्ला किए हैं, हाथ धोए हैं, वो क्षमा मांग लें, सब बातें खत्म। बाबा तो बहुत दयालु हैं, एक बार वो क्षमा मांग लें कि बाबा हमसे गलती हो गई, उनको क्षमा दान मिल जाएगा। मगर वो तो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे फाउंटेन है, वो मंदिर फाउंटेन तो बनाया गया, यही उनके विनाश का कारण होगा। फाउंटेन निर्माण किया गया, कोई यही उनके नहीं, यही उनके विनाश का कारण होगा। यहाँ पे रहे हैं बहुत दिनों से, जो गौरी मंदिर है जी, तो आपने तो देखा होगा, क्या देखा आपने कभी गए भाई? वो देखने से साफ जाहिर होता है कि वो जो है कि मंदिर था, उसको औरंगजेब तोड़वा दिए थे, तोड़वा करके अपना मस्जिद बना दिए थे। और अब तो प्रमाण भी हो गया, नंदी बाबा एक तक जहाँ देख रहे थे वही बाबा मिले, बाबा वहीं प्रकट हुए। पौराणिक काशीवासियों में खुशी है, उनके काशीवासी खुशी है। और काशीवासी तो इसमें जैसे उस दिन लोग अपने दीप प्रज्वलन किए बाबा के प्रकट होने के शुभ अवसर पर, लोग दीप प्रज्वलन किए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। हर हर महादेव। काशीवासी हम लोग का जन्म यही हुआ है, कर्म यही हुआ, बाबा के जो है हमेशा हम लोग दर्शन करते हैं और ये हमारी दिली इच्छा थी कि कोई आए और इसको जो है हमारा बाबा को मुक्त कराए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और ये जो काम हो रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और सालों की तपस्या हमारी जो है सफल हुई है। हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उनकी ये दिली इच्छा थी कि ये जल्द से जल्द टूट के बाबा के उस परिसर में विलय हो जाए इसका। अच्छा, ये पूजा पाठ की भी बात कर रहे हैं कि हम मिल गए तो पूजा पाठ बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ हमारे बाबा हैं वहाँ हम पूजा पाठ करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये सनातन धर्म से आज कितने हजारों वर्षों का शिवलिंग है, कोई हमने ऊपर से लाके इसको पटक थोड़ी ना दिया, ये तो दिख रहा है कि आपने ऊपर से गुंबज लगा दिया है। मुगलों ने यहाँ शासन किया, हमारा जहाँ जहाँ प्रमुख मंदिरें हैं उनको तोड़ के जो है बना दिया मस्जिद। ये तो भी कहा है कि सुरक्षित किया जाए, जो शिवलिंग मिला सुरक्षित किया जाए उसको। शिवलिंग बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, हमारे धर्म के प्रतीक हैं बाबा भोलेनाथ, यहाँ के जो है सर्वव्यापी है और यहाँ कड़कड़ में विराजमान है, तो उनकी पूजा अर्चना तो होनी ही चाहिए। नहीं, हम अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री जी को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि चूँकि विशेष प्रकरण ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही है, जिसके हमारे रवि कुमार दिवाकर माननीय जज हैं और देश विदेश की नज़रें इस मामले पर टिकी हुई हैं, और इस विशेष प्रकरण की सुनवाई निरंतर चलती रहे उसकी अनुमति प्रदान करें। लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्ट्राइक है उससे भी कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, उसी संदर्भ में हमने माननीय अपने पदाधिकारियों से अनुमति मांगी है कि ये विशेष प्रकरण की सुनवाई चलने दें। अभी तक आपने बस अभी दे रहे हैं? अभी प्रार्थना दे के आ गए, प्रार्थना पत्र, और उन्होंने मौखिक कह दिया कि मैं उसको लेता हूँ। मदन जी, क्या सुनवाई होगी, आज कुछ डेट पड़ेगी? हम तो अभी अनुमति मांग रहे हैं और अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री से, उसके बाद हमें अनुमति मिल सकती है। ये
जज साहब बैठेंगे नहीं बैठेंगे? नहीं, संदेह जब अनुमति वो देते हैं तो वो तो कार्य देंगे तब बैठेंगे नहीं बैठेंगे? नहीं तो बहिष्कार, वो अनुमति का विषय नहीं है, वो अधिवक्ता वर्ग अपने से वहाँ नहीं जाता है, कार्य का बहिष्कार करता है। जजेस तो अपने फंक्शन करते ही हैं, अपनी सीट पर रहते हैं। तो किस बात का हड़ताल है, क्या क्या वजह? अब उस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु ये विशेष प्रकरण चल रहा है इसलिए हमने अनुमति मांग ली है। वैसे समय कितने बजे का था हियरिंग का? ये जब भी सुनवाई होती है तो 11 बजे से के बाद ही होती है, और अमूना हम लोगों ने माननीय न्यायालय से आग्रह किया था कि हम लोगों के और भी कार्य रहते हैं, इसलिए जब भी अनुमति दें तो लंच के बाद 2 बजे के बाद ही, परंतु विशेष कारणों से वो 1 बजे भी माननीय न्यायाधीश महोदय इसको सुनते हैं। आज उम्मीद है आप लोगों की? हाँ, मैं हाँ, हम आशान्वित हैं, जी आशान्वित हैं कि वो हमें अनुमति मिलेगी, क्योंकि देश दुनिया की नज़रें टुकी हैं, महत्वपूर्ण विषय है। और एक बात और भी है कि एक कल एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे इस जो प्रकरण है इसका लीडिंग केस है, गाड़े सिंह गारगौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 350 केस नंबर 2021, तो उसमें उसके पैरोकार कुलदीप तिवारी लखनऊ के हैं, और उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री उसके वाद मित्र हैं श्रृंगार गौरी के, उसी प्रकरण से संबंधित, चूँकि ये प्रकरण जो चल रहा है राखी सिंह का, यह उस केस का आगमानी करने के लिए आया हुआ है, माननीय न्यायालय के पटल पे है, वो ज़्यादा विशेष है। तो उसके पैरोकार कुलदीप तिवारी ने कल एक प्रार्थना पत्र 18 गए दिया, और जिसमें उन्होंने माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी कि जब भगवान सिंगा भगवान आदि विशेश्वर प्रकट हो गए हैं, उनका शिवलिंग मिल गया, तो हमें पूजा की अनुमति प्रदान किया जाए, राग भोग आरती और श्रृंगार का अस्तवन पूजन का निरंतर अधिकार प्रदान किया जाए, कल उन्होंने दिया, उसमें माननीय न्यायालय के यहाँ समक्ष पटल पर विचाराधीन है।